वो कैफेटेरिया अब सस्ता है कि महंगा ये तो पता नहीं, लेकिन बाहर से काफी अच्छा लग रहा है, अंदर तो भी जाने का प्लान नहीं है। धूप तो नहीं है गाइस, लेकिन गर्मी उतना ही लग रहा है, मतलब गुम्मस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए स्विमिंग पूल जा रहे हैं। संडे है और जाने के मेरा 2-3 दिन बचा हुआ है, इससे पहले स्विमिंग पूल जितना पूल है सब घूम लेंगे। हफ्ता में दूसरा बार स्विमिंग पूल जा रहे हैं, पहला बार जा रहे हैं। गाइस इससे साथ दोस्ती किए हुए हो गया एक साल, लेकिन अभी तो एक बार स्विमिंग पूल नहीं गए, अभी आश्चर्य वाला बात है। पिछले बार तुमसे पूछा था तबीयत खराब था, लेकिन 18 इंजेक्शन लगा था, रेबीज हो गया था क्या? रेबीज में 14 लगता है। अच्छा हुआ क्या था? लेकिन दिस इज नॉट फाउंड इन माय डिक्शनरी। गाइस सूरज पश्चिम से उगेगा, लेकिन मयंक लेट करना कभी नहीं छोड़ेगा, उसका बचपन से आदत रह गया लेट करने का। अभी तक हम लोग को खड़े हुए 10 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक नहीं आया। उसमें गाइस लड़की लोग का गुण आ गया, बताएं तो सच बताते हैं, उसको बहुत टाइम लगता है भाई। अभी सिंगल है ना इसी घर, और सिंगल ही रह जाएगा अगर ऐसा हरकत रहा तो। बी ए मैन ब्रो, ग्रो अप। बोला 5 मिनट में आ रही है, 2 मिनट में आ गया, इससे ज्यादा मैनली आदमी नहीं रहेगा हम। लेकिन मयंक 2 मिनट बोल के 20 मिनट में आता है। जूता पहन के तुम 10 मिनट लगा दिया। हम तो आज चप्पल पहने जूता पहने भी नहीं, हमें बोलते आओ ना जूता पहन रहे हैं और हम चप्पल पहन गए। स्कैम हो गया भाई, अरे क्या करते मैंने ना, तुमको क्रीम लगाना ना पाउडर लगाना फिर भी लेट कर देता है तुमसे। अच्छा तुम आदित है ना, जल्दी आ जाता है, ये अंदर भी है, हम भूल गए जा, तुम रंगे ना आएगा भाई। तुम कैसे कपड़ा खोलता है स्विमिंग पूल आने के साथ? ऐसे पर वहाँ टाइमिंग का बहुत ज्यादा इशू है ना, इसलिए गेट में कपड़ा खोल के पानी में जाके ऐसे कूद जाते हैं, वहाँ का स्विमिंग पूल छोटा है, तैरने में बन जाता है। और मंडल तबीयत ठीक हुआ तुम्हारा? तबीयत ठीक हुआ? सोचे सूख गया तुम्हारा? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें नु गाइस ये स्विमिंग पूल जाने का शॉर्टकट रास्ता हो। गाइस भागलपुर बहुत ही हैपनिंग जगह है, यहाँ पर कहीं पे गाना लगेगा, कहीं पे मंदिर दिखेगा, कहीं पे डांस होते हुए दिखेगा। इंडिया में गाइस बहुत कॉमन इंडिकेटर, ज्यादा आदमी हाथ पे भरोसा करता है। अब वहाँ पर गाइस धूमपान करना बहुत ही खराब है, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। धूमपान पड़ेगा महंगा, हाँ कभी नहीं करना चाहिए। पैसा हो तो आधे जितना हो बंदा भिखारी है, ये भी है। मुझे क्यों तोड़ा? गाइस माते के साथ कूद गया तुम भी। हम गेट के पास से कपड़ा खोलते पा रहे हैं, खोलते ही खोलते नंगा। बैग कहाँ रखेगा? यहाँ पे रख दो, बैग रख दो। Every moment I was spending on regret. इस तरफ दो पुल है, एक तरफ यहाँ पे एक तरफ वहाँ पे, तो ये वाला पुल बहुत कम दिखा था। दो पुल है यहाँ पे आके, मतलब ये फैमिली वाला बेसिकली हम लोग को जाने मिलता है, फैमिली आया नहीं इसलिए लोग जाने मिल रहा है। गाना बजा इसलिए मुंह में कैमरा घुसा बोलना पड़ रहा है। कपड़ा पहना ही बाहर जा रहा है, बार भी यही हुआ हम लोग का, हमेशा ही हम लोग बाहर कपड़ा बदलेंगे, समय बर्बाद नहीं करते। लाल हो गया भाई हल्का सा, चलो चलो चलो। कई स्विमिंग पूल से आने में इतना ठंडा ठंडा और वेदर इतना अच्छा लगा ना, मतलब लग रहा है कि जन्नत आ गए धरती पे। क्या भाई सही लगा? बस ये मतलब थोड़ी देर का भाई मज़ा आया तुमको भाई, हम पागल भी जा रहे हो, मिस करोगे? हाँ इसको पकड़ दो मंडल, अरे इतना कम मंडल, हाँ इसको पकड़ो ना, इसको जो भी हो मिस करोगे भाई तुमको। हाँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? पता है यार स्विमिंग पूल जैसे निकले ना तो बारिश पड़ने लगा, अगर गाइस आप लोग स्विमिंग पूल कर रहे हो उस टाइम बारिश पड़ रहा ना तो ऐसा लगता है कि हम लोग इस दुनिया में है या नहीं, काफ़ी अच्छा फील होता है। आपके साथ और तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्मार्ट 12 भी हो गया, रिजल्ट भी आने वाला है, तो क्या सोचो करने का? हाँ स्टार्टअप बोलो ना भाई, मजा आने का। आजकल गाइस देख रहे हैं चाय का दुकान ट्रेंड ही बन चुका है, यही बंदे होते मतलब सरकार का बेरोजगार योजना का पालन करते हैं। तुमको फ्री में कैसे भैया काम पे जा रहे हैं? सही भैया कितना सही बात बोले, और ये बोलता काम नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे का सोच और एक महंगा सोच, कितना डिफरेंस है भाई। तो घर स्विच कर रहा ना तो भैया वहाँ बाहर साफ कर रहा था बालकनी, तो बालकनी हम लोग मतलब साफ अच्छे से नहीं किया, तो वहाँ पर कचरा बहुत सारा था, तो वहाँ पता क्या हुआ, कबूतर एक बच्चा दिया, मतलब 4 अंडा है वहाँ कबूतर का, तो दिखाते हैं आप लोगों का। ये बेसिकली ऐसे फालतू सामानों से भरा हुआ था, तो वहाँ पर अंडा दिया, मतलब ऐसा तो फर्स्ट टाइम हुआ, कितना 4 अंडा दिया है। एक यहाँ रहा,
अब तो डर लगा है कि जो अंडा खाते तो वो बेच ना दे वो वाला, ऐसा होता तो नहीं होगा। तो अभी अंडा को फेंक तो नहीं सकते, तो भैया घर ही इसमें बना दिया, अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता तो अंडा को फेंको मत, उसका घर बना दो, क्योंकि माँ तो माँ होती, सबका अपना अपना इमोशंस होता है, चाहे वो बोल नहीं पाए तो क्या हुआ, इमोशंस तो है ना उसमें। अभी गाइस सब घर शिफ्ट करने में लगा हुआ है, पूरा काम चल रहा है, बस आराम करते हैं। पूरा घर में मैस फैला हुआ है, घर साफ सफाई हो रहा है ना, इसीलिए पूरा घर में सब जगह कचरा ही फैला हुआ है, क्योंकि घर शिफ्टिंग में कितना टाइम लगता है, जो लोग करता है वो लोग को पता होगा। अच्छे फ्यूचर और अच्छे समय के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, इसमें चेंज काफ़ी ज़रूरी है। अगर एक ही जगह पर स्टक रह जाओगे ना, तो ना आप आगे जा पाओगे ना पीछे से, चेंज काफ़ी ज़रूरी है लाइफ में। तो गाइस अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि दो तीन दिन तो बचा भागलपुर में, उससे पहले भागलपुर का सारा मेमोरीज कैप्चर कर लेंगे, और जब पटना में बोर होंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे और खुश हो जाएंगे। तो ऐसे एक इंपॉर्टेंट बात और, जो जो पटना में रहता है ना वो लोग कमेंट ज़रूर करना, ताकि वहाँ जाए तो बोर ना हो, आप लोग से मिल चुके और आप लोग पटना शहर घुमाओ, क्योंकि पटना के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। मन तो ऐस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पूरा फैमिली शिफ्ट पहले से, मतलब भैया अब तो वहीं रह रहे थे, तो मम्मी यहाँ अकेले क्या करती, तो हम लोग कुछ दिन वहाँ रहेंगे रेंट के हाउस पे, फिर अपना घर लेंगे। अपना घर मतलब देख के रह गया वो लोग, तो ब्लॉग में आप लोगों को पता चलते रहेगा ना। तो गाइस का चुम्मा वेदर है, मतलब चुम्मेश्वरी वेदर, सनसेट दिखाते हैं, ब्यूटीफुल। और इस तरफ देखिए, इस तरफ पूरा बादल है, बारिश तो गाइस लगता तो नहीं बारिश पड़ेगा, लेकिन फिर भी होप बना रहता है, क्योंकि डेली बादल लग रहा है, बारिश पड़ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया मौसम को। सब जगह तो गाइस बारिश पड़ रहा है, लेकिन यही नहीं पड़ रहा है, जस्ट थिंक दैट बारिश होने भी लगा, मतलब सोचे तो कि बारिश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ने भी लगा। गाइस जाने से पहले एक और अपडेट, सैंडिस में भी जिम खुल गया है, मतलब भाई सैंडिस कितना अच्छा वो हो गया, क्या हो गया भाई भैया, यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो कैफे भी है, फैमिली के साथ भी भाई, गर्लफ्रेंड सब कुछ सॉरी होती है, फैमिली भी, दोस्त के साथ भी, दोस्त भी कम होता है। हाँ तो भाई हम जा रहे, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या है इसको लेके? खुश है भाई, क्यों? मेरा मन, हम जानते हैं गाइस ये ऐसे बोल तो रहा है खुश नहीं है, खुश बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस जाने से पहले सोचे, और गाइस जाने से पहले सोचे सैंडिस में एक रेस्टोरेंट भी खुला है, वो भी थोड़ा सा बाहर से दिखा दें, अंदर अभी तो जाएंगे नहीं, और एक स्विमिंग पूल तो दिखा चुके सैंडिस में, क्या खुला है, एक रेस्टोरेंट खुला है, एक स्विमिंग पूल खुला और जिम खुला है, मतलब था पहले से उसको रेनोवेट कर दिया गया, जंगल भी है, कुछ भी हो सकता है, और पार्क तो है यहाँ। और गाइस उसके अंदर दिख रहा है, उसके अंदर एक स्टेडियम है, कोर्ट है मतलब टेनिस का, और उस तरफ क्रिकेट का स्टेडियम है, बास्केटबॉल, मेरा मतलब आधा ज्यादा बचपन मेरा वो क्रिकेट स्टेडियम में सीखा है, हम उसी में सीखे हैं, बहुत मजा आता है बचपन का, जो दिन था ना वो मस्त भागलपुर में। बास्केटबॉल गाइस अगर दिख रहा होगा तो ये टेनिस कोर्ट है, और वहाँ पर क्रिकेट होता तो मस्त मजा आता, धूप मतलब गाइस अभी अंधेरे में तो दिख नहीं हो रहा है, लेकिन काफी सही था। अब मयंक जब हम पटना चले जाएंगे ना, तो मयंक को बोलेंगे यहाँ का क्लिप भेजने, तो वहाँ लगा देंगे वीडियो में। देख गाइस अब वो कैफेटेरिया अब सस्ता है कि महंगा ये तो पता नहीं, लेकिन बाहर से काफी अच्छा लग रहा है, अंदर तो अभी जाने का कोई प्लान नहीं है। अभिजीत का नहीं, वहाँ पर आउटर एरिया भी और अंदर बैठने का है, अगर इस पॉसिबल हुआ ना तुम जाने से पहले एक व्लॉग यहाँ का देने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो फिर उसके लिए मयंक तुम है ही, तुम अकेले घूम लेना, काफ़ी सही लग रहा है बाहर से। तो टेम का हम अपने लिए ले रहे, जब पटना जाएंगे तो देखेंगे व्लॉग, तो याद आएगा। अब भाई तुम भी आ जाओ इस फ्रेम में, काफ़ी काफ़ी अच्छा फ्रेम भी डालेंगे। गाइस ये बिल्डिंग तो बहुत दिन से देख रहे हैं, लेकिन ये है क्या अभी तक पता नहीं चला, मजाक से हट के भाई ये है क्या, तुमको पता है क्या? हाँ ये क्लब है। ओ, उसमें लिखा हुआ तो मुझसे बोले स्टेशन क्लब का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस ये जो लाइट है ना थोड़ा फ्लिकर हो रहा होगा, इसको देख गाइस काफी ज्यादा डर लगता है, मतलब अभी तक ये मतलब एक महीना दो महीना से नोटिस कर रहे होंगे, वो लाइट तब से फ्लिकर करते रहता है और डर बहुत लगता है। और मयंक पता नहीं वहाँ पर क्या कर रहा है। इस मनाली के पास मोमो मैजिक भी खुला है, उसका व्लॉग तो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी है, अब जाकर आप देखिए। फार अवे
गाइस नया चीज खुल रहा है, आप तो गाइस अपडेट नहीं दे पाएंगे, तो पहले ही पता चल रहा है, मतलब काफी अच्छा नाम तो है काके दी हट्टी, तो काफी अच्छा हमारा सबसे बड़ा नाम मिलने आया मिलेगा, मतलब सुनने में तो ही आया। अब हम तो रहेंगे अपडेट देने के लिए, आप लोग जाके ट्राई जरूर करना। वेल गाइस, भागलपुर को मिस तो बहुत करने वाले हैं, इसलिए अभी अकेले ही घूम रहे थे, अभी सोचे थे अकेले ही घूमते हैं, कुछ अपने अंदर ही कुछ सोच रहे थे कि यहाँ घूमते थे वहाँ घूमते थे, काफ़ी अच्छा फीलिंग था, सूदिंग फीलिंग था एकदम, और बारिश का ड्रिजलिंग अभी अभी हो ही रहा होगा। गाइस भागलपुर में पूरा बचपन गुजरा है, और अचानक से जगह शिफ्ट करना ना, आप लोग तो समझते होगा, आप लोग मुझे किसी जो एक जगह पर रहते हो शिफ्ट करोगे तो समझ सकते हो, किसी के लिए भी गाइस बिल्कुल आसान नहीं होता, जिस जगह पर बचपन गुजरा है ना वो जगह को छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और वैसे मोस्ट प्रोबेबली मेरा लास्ट व्लॉग होगा भागलपुर का, और इसके बाद जो व्लॉग होगा वो शायद शिफ्टिंग का होगा, तो लाइक ज़रूर करना। अगर बस 300 ही चाहिए 500 सब्सक्राइबर में, जाने से पहले एक गिफ्ट तो दे सकते, छोटा सा शेयर करो इस व्लॉग को, और 300 सब्सक्राइबर करके 5000 सब्सक्राइबर कर दो, बहुत ज़्यादा खुश होंगे हम। और ऐसे हम चाहते हैं जो जो रेगुलर व्यूअर है ना चैनल का, वो कमेंट जरूर कर देना, चाहते हैं सबको रिप्लाई करना, सबसे बात करें, तो हमको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे व्लॉग को अच्छे नोट के साथ एंड करते हैं, आप जहाँ भी रहो खुश रहो अच्छे से रहो, और भागलपुर को एक्सप्लोर करो और सब जगह नाम करो, क्योंकि बिहार का नाम बाहर तो ऐसे ही खराब है, जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हीं को पता है, और जो बाहर से घूमने आते हैं वो लोग बोलते हैं क्या ही सही जगह है बिहार, लेकिन बाहर थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन उस इमेज को अब कुछ कुछ ठीक हो ही रहा है। तो गाइस यहाँ तक व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा लास्ट व्लॉग होगा, सोचे सैंडिस का व्लॉग बना देंगे, वो जो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी लगा मेरे को। तो गाइस यहाँ तक व्लॉग अच्छा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बस 300 चाहिए 5000 के लिए, मिलते हैं ऐसे के लिए व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।